गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। रात में डिनर उनर करने के बाद हम लोग जो है लूडो खेलने लगे थे बच्चों के साथ, और इसमें राघव क्या था ना, सबकी चांस आने पे किसी की भी चांस चल दे रहा था, किसी की भी जो है वो गोटी आगे बढ़ा दे रहा था, जिससे कोई भी किसी से भी कट जा रहा था। और फिर जो है सुबह के टाइम, आज क्या बताएं, सुबह करीब 4-5 बजे से ही ना पावर कट हो गई थी और फिर अभी तक नहीं आई मॉर्निंग में हम लोग। और इतनी ज़्यादा मतलब गर्मी थी कि हम लोग सब बाहर ही बालकनी में आकर के चाय पीना पड़ रहा था। बहुत गर्म बहुत था, गर्मी थी। और क्या, रात में हवा तेज़ चल रही थी ना, तो ये मेरे सामने एक जो है डहेलिया का पेड़ था, वही जो है गिर पड़ा पूरा। अच्छा था, फूल काफ़ी अच्छे लगते थे, इसमें से तोड़ सकते थे, पर हवा हवा चली ऐसे ही, मतलब बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई। और फिर यहाँ पर बालकनी में हम लोग इधर चाय पी रहे थे, इधर जो ये लोग बैट बॉल खेलने लगे, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी, उमस थी कि मतलब नीचे तो एकदम मतलब रहा ही नहीं जा रहा था। और एक्चुअली में इन्वर्टर तो लगवाया ही नहीं है, तो बच्चे यहाँ पर जो है बैट बॉल खेल रहे थे और हम लोग भी यहीं पर खड़े थे, कम से कम ऊपर थोड़ा सा राहत थी। और फिर उसके बाद क्या सोचे कि लो फालतू में खड़े ही हैं, थोड़ा सा टाइम का यूटिलाइज़ करें, तो हम क्या किए, छत पे जाकर के वहाँ पर झाड़ू वाड़ू लगाने लगे। यहाँ पर छत पे भी ना एक रूम बना हुआ है जैसे गेस्ट रूम टाइप में, तो वहाँ पर कई दिन हो गए थे मैंने साफ़ सफाई नहीं की थी, क्योंकि ऊपर थोड़ा कम आना जाना रहता है रूम तक, तो ऊपर रूम में आकर के झाड़ू लगाए, थोड़ा गंदगी काफ़ी गंदगी निकली कि काफ़ी दिन बाद झाड़ू लगा था। और यहाँ छत पर भी मैंने सोचा कि लो थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, और फिर मुझसे देखा नहीं गया कि हस्बैंड कैसे शांति से बैठे हैं, तो मैंने उन्हें भी लगा दिया काम पे। तो नीचे जहाँ पर पेड़ वेड़ गिरा था और काफ़ी मतलब हवा चलने से काफ़ी गंदगी भी हो गई थी, बाहर भी कई दिन से क्लीन नहीं हुआ था, तो जो है सफाई हो रही थी। उसके बाद हम लोग काम करते करते ना इतना ज़्यादा टाइम बीत गया था और फिर इतना थक गए थे, भूख भी बहुत तगड़ी लग गई थी। फिर जैसे लाइट आई तो हम लोग जो है पहले क्या किए, ऑर्डर कर दिए खाना। और यहाँ पर बंगाल में मैंने कहा ना, उधर हल्दीराम को जो है यहाँ पर प्रभु जी के नाम से मतलब आता है, हल्दीराम वाले आइटम जो है प्रभु जी के नाम से आते हैं, तो वही समझ लीजिए हल्दीराम का ये है। ये था ढोकला और ये थी कचौड़ी, काफ़ी टेस्टी थी, खाने के बाद पता चला काफ़ी टेस्टी थी। और भूख तो सबको इतना लगी थी ना कि इतना जल्दी सब ख़त्म हुआ। और ये है जलेबी, जलेबी यहाँ पर हम काफ़ी टाइम के बाद खा रहे हैं, एकदम बढ़िया घी वाली जलेबी थी, काफ़ी टेस्टी थी। अब ये सब जो है ऐसा मॉर्निंग में हम मंगाना पड़ा, क्योंकि जो है फिर अगर बनाने लगते तो बनाने में टाइम लगता, और भूख मतलब रहा नहीं जा रहा था, इतनी तगड़ी भूख लगी थी। और ये इसमें था ना भटूरे ऑर्डर किए थे, सिद्धि को थोड़ा छोला भटूरा खाना था, उन्होंने कहा छोला भटूरा खाना है, तो ये इसमें भटूरे थे और जलेबी काफ़ी क्रिस्पी क्रिस्पी थी। ये देखिए दो भटूरे, भटूरा भी सही था इनका, मतलब ऑलमोस्ट ना तो तेल ज़्यादा था ना तो मसाला ज़्यादा था। और ये एक सब्ज़ी आई थी आलू की, ऐसा आलू टमाटर, आलू बॉईल करके, और फिर छोला, मतलब सब्ज़ी वगैरह की क्वांटिटी भी सही थी। ऐसे ऐसे आलू वाले दो पैक थे और छोले का एक, मतलब सब मिला के इतने लोग के लिए एकदम परफेक्ट था। और ये भी एक दूसरा डिब्बा आलू का। दो डिब्बे थे आलू की सब्जी का और एक ये था छोला, इसकी भी क्वांटिटी मतलब सही थी, अच्छी थी क्वांटिटी, इसको मतलब कम नहीं कहेंगे, सबके लिए पर्याप्त मात्रा में था। तो छोला भटूरा आलू की सब्जी और जो है कचौड़ी, और साथ में ये कॉम्प्लीमेंट मिला हुआ था बेसन भुजिया 2 पैकेट, ये इन्होंने अपनी तरफ से ही ऐड किया हुआ था। तो बस ये ऑलमोस्ट हमारा जो है पूरा ब्रेकफास्ट का आइटम था। और साथ में मैंने भगोने में रखी हुई है रागों की खिचड़ी, उसके लिए मैंने एक प्लेन जो है तो मतलब डाल दिया था कुकर में जल्दी से, तो वो हो गया। तो सबसे पहले ये टेस्ट किया हम लोगों ने, ये हमारा था ढोकला, मतलब अच्छा था काफ़ी स्पंजी टाइप में और टेस्ट में भी अच्छा लग रहा था। और ये उसके ऊपर ना थोड़ा सा मीठी चटनी टाइप का मिला हुआ था, इसमें थोड़ा सा खट्टा खट्टा टेस्ट आ रहा था, लेमन और जैसे चीनी का घोल टाइप का ना, तो वो पैकेट में था। और फिर इतनी तगड़ी सबको भूख लगी थी ना कि इतनी जल्दी ये ख़त्म हुआ कि इधर ओपन नहीं हुआ उधर ख़त्म हो गया, सब एकदम टूट पड़े थे क्योंकि सब था ही इतना टेस्टी। और फिर भूख में तो कुछ भी मिले इंसान को ना वो अच्छा लगता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, खाना वाकई टेस्टी था। ये देखिए आप देख सकते हैं किसी के भी प्लेट में कुछ भी नहीं बचा, सब एकदम सब ख़त्म हो गया पूरा। सिद्धि को भी पसंद आया छोला भटूरा,
और इधर हस्बैंड वाली प्लेट भी पूरी खाली हो चुकी है, सबकी प्लेट खाली है। ये देखिए आप देख सकते हैं, ये भी एकदम पूरा सफा चट हो गया है। बस केवल राघव ने खिचड़ी नहीं खाई अपनी, क्योंकि उसने भी कचौड़ी वगैरह, ढोकला वगैरह और जलेबी खा ली थी ना, तो मेरा बनाना ही मतलब वेस्ट गया। वेस्ट क्या गया, मैंने फिर रख दिया, मैंने कहा दोपहर में खा लेगा, और इधर वो अपना गेम देख करके खा रहा था। और फिर क्या हुआ, आज तो पूरा टाइम ही वो हो गया कि मतलब बाहर का खाना। दोपहर में हम लोगों ने सिंपल जो है क्या राइस बनाया था और थोड़ी सी सब्जी बना ली थी, तो चावल सब्जी हो गया था। फिर शाम को देखा कि ऐसे ऑफर चल रहा है डोमिनोज़ में, तो फिर कर लिया पिज़्ज़ा। और ये जो है बस, आप भी कहोगे यार कितना बाहर का खाते हो, पर हमेशा नहीं खाते, हाँ कभी कभी हो जाता है, वीकली में वन डे टू डे बस इतना ही। अब ऑफर चल रहा था इसलिए जो है फिर मंगा लिया। ये एक टैको मंगाया था, बाकी तीन पिज़्ज़ा मंगाए थे, जो हम लोग का फिर जो है पूरा रात के डिनर तक का हो गया था ये, क्योंकि फिर आज क्योंकि सब कुछ बाहर बाहर, तो इतना सब कुछ बाहर का फूड कंज्यूम करने के बाद ना थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह कर करके उसको निकालना भी पड़ेगा, इसलिए जो है थोड़ा सा कुछ तो करेंगे कि बाहर का फूड जो है ना इतना ज़्यादा बॉडी ख़राब ना करे। वैसे ही भी थोड़ा सा इस समय बॉडी ख़राब हो रही है, तो आज का पूरा ही दिन क्या गया ना कि बाहर के ही खाने पे हम लोग पूरी तरह से निर्भर थे। बाहर का ब्रेकफास्ट से लेकर के फिर बीच में केवल मैंने थोड़ा सा चावल सब्जी बनाया था, वो भी थोड़ा सा, उसमें भी रोटियां नहीं बनाई थी। जल्दी जल्दी में मैंने एक तरफ चावल डाला, एक तरफ कुकर में आलू और टमाटर की सब्जी बना दी थी, वो हो गया था दोपहर में। और बस उसके बाद फिर पिज़्ज़ा हो गया शाम को, फिर चाय पी। और अब तो ओके फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को मैं यहाँ पर एंड करना चाहूँगी, मिलूँगी आपसे बहुत ही जल्द, तब तक अपना ख्याल रखना। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और लाइक और शेयर और कमेंट्स भी ज़रूर करना। ओके बाय बाय, टेक केयर।